24 तास भी रह सकती है बाहर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी आज कोई रेस्क्यू नहीं, कुछ नहीं, आज हम फिशिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये सिर्फ वीडियो हम एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे। तो हमारे गांव में कैसी फिशिंग होती है, क्या होती है, चलो देखते हैं, अभी दिखाते हैं तुम लोगों को। बने रहिए हमारे वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो में हम सांप नहीं पकड़ रहे बल्कि फिशिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी नदी है और ये हमारे फिशर्स है चार, और ये छोटा फिशर है, बस इनको सपोर्ट के लिए आया है। इसका नाम है दर्शन। हाय कर दो दर्शन भाई। हाय तुलसीराम। और ये हमारे तुलसीराम जी। हाय करो। और ये हमारा विनय भाई जो पीछे दिख रहा है, ये मिल मिल, और ये मुन्ना भाई। सपोर्ट करो, हमारे वीडियो को देखते रहो फाइनल तक। हम अभी मच्छी पकड़ रहे हैं इधर, तो देखते हैं कौन सी मच्छी मिलती है, क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी बहुत अच्छा खासा पानी भी है, मतलब इतना भी नहीं है, पर फिशिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। ठीक है दोस्तों, अभी देख सकते हैं दोस्तों ये अरे अरे अरे, ये देखो बड़े बड़े मेंढक यहाँ पे हमने पकड़ लिए यार, और कुछ मछलियाँ भी है। पकड़ मुन्ना, ये देख सकते खेकड़े यहाँ पे अभी। ये काफी बड़ी मछली है दोस्तों। दोस्तों ये है झींगे, काला काला झींगा, काला झींगा बोलते इसको। ये कौन सी मछली है दर्शन भाई? पोस्टी। इसको पोस्टी मछली बोलते दोस्तों, और हिंदी में आई थिंक इसे शिपनार बोलते हैं। और इस फिशिंग करके मजा आया। मुन्ना भाई को कैसा लग रहा है पूछ लेते हैं। मुन्ना भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहली बार आए दोस्तों हम फिशिंग करने के लिए। ये देखो दोस्तों, ये काला झींगा, हिंदी में क्या नाम है? हिंदी में झींगा ही बोलती है इसको, हिंदी में इसको झींगा ही बोलते। बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। गुरवटी मच्छी दोस्तों, ये देखो ये गुरवटी मच्छी है, ये खासकर खांसी के लिए खाते हैं ज़्यादा लोग, जिसको खांसी बुखार वगैरह होता है। जल्दी इलाज के लिए अच्छी है मच्छी, है खांसी जल्दी होती है। ये जो काली मच्छी है, और ये 12 और ये 24 तास भी रह सकती है बाहर। अच्छा, इसको कुछ नहीं हो सकता। और वो बेदा मच्छी बोलते हैं, नहीं क्या वो भी मच्छी नहीं क्या, ज़्यादा देर तक वो रह सकती है। और ये बोटरी बोलते हैं, इसका ये बड़ा रूप है, वो दाढ़क बोलते हैं वो, और वागुर बोलते हैं, गावटी वागुर बोलते हैं। अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा राउंड में भी अभी जाके देख रहे हैं, वहाँ पे भी उस साइड में जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट करो कि आपको ये वीडियो थोड़ा अलग वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। आप दूसरे लोकेशन पे अभी हम रिलोकेट हो रहे हैं, और वहाँ पे अभी कैच कर रहे हैं मछलियाँ। भाई लोग बहुत अच्छा मज़ा आता है पानी में, और मछली पकड़ने के लिए बहुत मज़ा आता है। आओ भाई लोग देखते रहो, हमारे अपनी मछली पकड़ रहे हैं बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये भाई साहब जो है थोड़ा हमसे अलग तरीके से मछली पकड़ रहे हैं, इनसे जाके पूछ लेते कैसा है भाऊ, ठीक है क्या सगड़ा? मछली पकड़ने की टेक्निक यहाँ पे थोड़ी सी अलग है हमारे से, हमारे यहाँ पे जाल बिछा रहे हैं, और यहाँ पे मतलब किस तरह से पकड़ रहे हो आप बता सकते हैं हमें? आप कैसे क्या मछली पकड़ रहे हो सर? गड्ढा करने के लिए, गड्ढा करना लगते हैं अंदर। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि नीचे में अंदर गड्ढा करना पड़ता है, उसके ऊपर मछली आती है, फिर उसको मट्टी से ढक देते हैं।
देखो दोस्तों इतनी सारी मछलियाँ, हमें जाल का यूज़ करना पड़ रहा है और ये हाथों से ही निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है फिशिंग के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये काटवा मच्छी, इसको एक काटा भी रहता है, और अभी तक भाई साहब ने जो है इतनी सारी मछलियाँ हाथ से ही पकड़े, काफ़ी बड़ी बात है। मुन्ना भाई आपसे एक सवाल है, आप क्यों नहीं पकड़ रहे मछलियाँ? मेरे को मछली पकड़ना नहीं आता है। तो देखो दोस्तों मुन्ना को सांप के अलावा मछलियाँ पकड़ना नहीं आता है, इसलिए मुन्ना भाई मछली नहीं पकड़ रहे हैं। अपने पास दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्हें पकड़े, काले झींगे हाथ से पकड़े है, हाथ से पकड़े बोल रहे हैं झींगे दोस्तों। देखो काली मछली पकड़ पकड़, इसको काली मछली बोलते हैं, ये पानी के बिना कम से कम 10-12 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों अभी दर्शन भाई ने इतनी मेहनत की है, 1-2 घंटा इतने झींगे पकड़े, दिखा देते हैं आपको, हाथ से निकाल लो बड़ा झींगा, और एक मच्छी भी ने यहाँ पे अलग वाली देख लो, इतने सारे झींगे पकड़ लिए हैं, काफ़ी ब्लैक कलर के हैं, सफ़ेद कलर के हैं, बहुत बड़े बड़े झींगे हैं, और एक मच्छी भी थी दोस्तों, मतलब मच्छी देता वाउर, लेकिन ये बेदा मच्छी भी इसने पकड़ लिया है, देख सकते हैं बहुत बेदा, बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, इसको हमारे शार्प फिशर हमारे नेरी में इसको बोला जाता है। देखो बेदा बेदा इसने पकड़ लिया है, और मुन्ना भाई बहुत मेहनत करना पड़ा है झींगे पकड़ने के लिए। काफ़ी है, मिलते नहीं है, छुपते ज़्यादा है। दोस्तों इस वीडियो के लिए लाइक करो, बहुत मेहनत की है, लाइक करो शेयर करो और देखते रहो आगे भी वीडियो ये। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसी कुछ और एंटरटेनमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।